पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोटिंग होने जा रही है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 52 जिलों में 115 जनपद पंचायत की 8702 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। इस दौरान 27,049 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में करीब 1,49,23,165 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान शांतिपूर्वक कराया जा सके इसके लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। तो मध्य प्रदेश में कल पंचायत का पहले चरण का मतदान है और ऐसे में पहले चरण के लिए कल वोटिंग होगी। सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम हर पंचायत चुनाव के लिए केंद्र पर कर लिए गए हैं। 52 जिलों की 8702 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है। 27,049 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं जिन पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का कल पहला राउंड का मतदान होना है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और इधर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्भीक होकर मतदान करने की अपील मतदाताओं से की है। आपको बता दें इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारी है जानेंगे सहयोगियों से। राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में किस तरह की तस्वीरें हैं, चारों सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पहले चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे शब्बीर अहमद से। शब्बीर, किस तरह की तैयारी पंचायत चुनाव के पहले चरण के मद्देनजर राजधानी भोपाल में? बिल्कुल शुभम, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का कल महाकुंभ की ये कह सकते हैं शुरुआत होगी और पंचायत चुनाव का कल आगाज होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है। करीब बता दें आपको 8,500 से ज्यादा पंचायतों में वोटिंग होगी। 52 जिलों में ये मतदान होगा। 115 विकासखंड में ये वोटिंग होने जा रही है और इसको लेकर 52,000 जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते करीब जो संवेदनशील है मतदान केंद्र वहां को भी लेकर चिन्हित कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 3,500 से ज्यादा ऐसे मतदान केंद्र है जो संवेदनशील है, यहां पर विशेष निगरानी करने के निर्देश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें या उससे पिछले चुनाव की बात करें तो यहां पर कोई ना कोई अपनी स्थिति हुई है, इसलिए संवेदनशील मतदान केंद्रों में चिन्हित किए गए। इसके अलावा इस बार जो है मतदान का समय थोड़ा सा शुभम छोटा किया गया है। 7 बजे से सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें 8,500 पंचायतों में वोटिंग होना है, उसमें से भोपाल की बात की जाए तो भोपाल के फंदा और बेरसिया पंचायतों में वोटिंग होने हैं और वहां को लेकर की बात की जाए तो सुबह से ही भोपाल का जहां पर केंद्र बनाए गए थे मतदान दल को रवानगी देने के लिए मतदान दल की पहले सामग्री दी गई और फिर मतदान दल को अपने अपने जहां पर वोटिंग होनी वहां के लिए रवाना कर दिया गया। तो इस तरीके से स्थिति है। और ठीक है शब्बीर, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर जरा हेमंत शर्मा के पास चलते हैं इंदौर। क्या कुछ तस्वीर किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? हेमंत शर्मा, क्या कुछ तैयारी की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा इंदौर में? देखिए इंदौर की अगर बात करें तो 1217 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंदर 6,72,318 मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग, 4,962 उम्मीदवारों के भाग करने वाले हैं। देखिए मतदान केंद्रों के ऊपर जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी है मतदान केंद्रों के अंदर। कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन पर CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी, जो अति संवेदनशील है। 50 से ज्यादा अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनके CCTV और उसकी मॉनिटरिंग जो है कंट्रोल रूम में की जाएगी। बाकी 300 जो संवेदनशील हैं उनके अंदर भी पुलिस का बल जो है वो तैनात रहेगा। 2000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात रहेगा पूरे 1217 मतदान केंद्रों पर। तो तैयारियां जो जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है और अब कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। जी ठीक है हेमंत, जरा कर्ण मिश्रा का रुख करेंगे, चलेंगे ग्वालियर। कर्ण मिश्रा, तस्वीर किस तरह की देख पा रहे हैं, तैयारियां कैसी की गई है? चूंकि कल चुनाव होना है, 7 से लेकर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा पंचायत को लेकर पहले राउंड में। कर्ण मिश्रा, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं मैं कि जिस तरह से प्रथम चरण का चुनाव ये ग्वालियर में भी होने जा रहा है, उस लिहाज से जिला प्रशासन ने, जिला निर्वाचन की पूरी जो टीम है उनने मिलकर पूरी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही जिले के अंदर 846 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें लगभग 252 मतदान केंद्र जो है वो संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए। यही कारण है
कि उन इलाकों के साथ ही पूरे जो जितने भी 846 मतदान केंद्र हैं वहां के लिए 105 मोबाइल पुलिस यूनिट जो है वो तैयार की गई है, जो लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। मौके पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही जितने मतदान केंद्र हैं उन पर सभी आवश्यक मुहैया व्यवस्थाएं जो है वो मुहैया कराई जाए, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लगातार खुद जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। विशेष तौर पर चूंकि गर्मी का वक्त है, ऐसी स्थिति में वहां पर पेयजल की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसको लेकर जिला निर्वाचन की टीम लगातार बीते कई दिनों से गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर कर रही थी कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करें, अपने पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य का चुनाव करें। और यदि मैं ओवरऑल यदि बात करता हूं तो इस तरह से 263 पंचायतों का ये चुनाव होना है, जिनमें 4318 पंच चुने जाएंगे, 100 जो जनपद सदस्य चुने जाएंगे और 13 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इस लिहाज से पूरी ये तैयारियां जो है वो कंप्लीट कर ली गई है। सभी मतदान दल जो है वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और सभी आवश्यक जो संसाधन है उनकी एक बार चेकिंग भी कर ली गई है। रिटर्निंग ऑफिसरों की निगरानी में सारी व्यवस्था देखी गई है ताकि सुबह जब मतदान शुरू हो उस वक्त किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, जिसके चलते मतदान का समय प्रभावित हो। यही कारण है तमाम व्यवस्थाएं जो है मुकम्मल कर ली गई है। चलिए ठीक है, ठीक है। गण मिश्रा, कुमारेंद्र के पास चलेंगे। जबलपुर तस्वीर वहां पर कुछ क्या कुछ कैसी है, तैयारी कैसी कर ली गई है, कुमारेंद्र जानकारी देंगे। देखिए आज देर शाम तक जो है प्रत्याशियों का डोर टू डोर प्रचार जारी रहा, क्योंकि कल जो है वो मतदान होना है, लिहाजा उसके हिसाब से भी सारी तैयारियां कर ली गई है। जबलपुर के 4 ब्लॉकों में कल जो है ग्राम पंचायत के चुनाव होना है, जिसमें से 270 ग्राम पंचायतों में कल वोटिंग डाली जाएगी। वोटिंग का समय जो है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, लिहाजा सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर इलैया राजा टी ने यहाँ पे विशेष निर्देश दिए थे कि पंचायत चुनाव के 48 घंटे पहले जो है वो शराब की दुकानें बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने यहाँ पर लोगों से अपील की है, उन्होंने एक सार्वजनिक अपील की है कि कल पंचायत चुनाव के दिन लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़कर जो है वो चुनावी माहौल में शामिल हो और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। तो बस अब कुछ घंटे बाकी है, कल सुबह से मतदान केंद्र खुलेंगे। 200 से ज्यादा मतदान केंद्र बने हैं जहाँ पर कल रात तक लोगों का कैंपेन अभी भी जारी रहेगा। डोर टू डोर अपने लोग जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशी को जीत की बात कर रहे हैं। तो कल पहले चरण के अंदर जबलपुर के अंदर 4 ब्लॉक के अंदर जनपद पंचायत के अंदर जो चुनाव होने हैं उसकी सारी तैयारी शुरू कर ली गई है। लगभग सारी तैयारी हो गई है। मतदान करने को आज ही सारा सामान लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचा दिया गया है, उनकी सारी रिपोर्टिंग जो हो गई है। तो बस इंतजार है बस कुछ समय का, जब सुबह 7 बजते ही मतदान शुरू किया जाएगा। जी ठीक है कुमारेंद्र। शब्बीर के पास चलेंगे, राजधानी भोपाल। शब्बीर, चूंकि राजधानी भोपाल किस तरह के मतदान वहां पर किए जाएंगे, तैयारियां कैसी कर ली गई है, उसके अलावा खास बात की है भी, बहुत शुक्रिया आप चारों का खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, आप चारों बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में तस्वीरें हम सबने देखी और तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। कल मतदान होना है, सुबह 7 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मतदान किया जाएगा।